गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे साइंस। आप अपनी बुक ओपन कीजिए। यस, पेज नंबर 78। ओके, लेसन नंबर 8, बर्ड्स। लास्ट वीक हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ये देखिए, हमने ये पढ़ा था ना बर्ड्स की, इसको क्या बोलते हैं, बीक। ये क्या होते हैं, विंग्स, टोज एंड क्लॉज। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उन बर्ड्स की बीक के बारे में, किस टाइप की बीक्स होती हैं। किसी किसी बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड होती हैं। किसी किसी बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, एंड हुक्स बीक होती हैं ताकि वो फ्लैश को पकड़ सके। और कुछ कुछ बर्ड्स की जो होती है पॉइंटेड बीक होती हैं। इसी तरह से कुछ बर्ड्स की जो है बीक कैसी होती है, ब्रॉड एंड फ्लैट्स बीक। इसी तरह से कुछ बर्ड्स की कैसी होती है, जो सनबर्ड होते हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। उनकी बीक कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। यस, उसके बाद हमने पढ़ा था फीट एंड क्लोज, कि कई बर्ड्स के फीट कैसे होते हैं, फीट क्लोज कैसे होते हैं। ईगल्स के जो फीट्स होते हैं, टोज होते हैं, उनको बोलते हैं टैलॉन्स। इसी तरह से स्पैरो जो होता है वो ट्री की ब्रांचेस पे रखता है, पकड़ के रखता है, उसको बोलते हैं पर्चिंग बर्ड्स। इसी तरह से स्क्रैचिंग बर्ड्स किसको बोलते हैं, जो कि अपनी बीक से अच्छे से जो है, सॉरी, जो अपने टोस से स्क्रैच करके रखते हैं मड, टू ब्रिंग ओवर स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए। इसी तरह से क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन से होते हैं, जो कि पेड़ पे ऐसे क्लाइंब करके रखते हैं, उनके पॉइंटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड टोज होते हैं। इसी तरह से वुड पेकर होल्ड ऑन इट, ये देखो, और अपनी बीक से वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। वाटर बर्ड्स सच एज डक एंड गोज हैव वेब्ड फीट, इनके वेब्ड फीट होते हैं किस में, स्विम करने के लिए वाटर में, है ना। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर ज्वाइंट बाय स्किन, जो फ्रंट टोज होते हैं वो तो ज्वाइंट होते हैं स्किन के साथ, जो बर्ड्स के होते हैं, वाटर बर्ड्स जो होते हैं, गिविंग दैम अ फ्लैट अपियरेंस, दिस हेल्प दैम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग, ताकि वो जब वाटर में स्विमिंग करते हैं तो वो होल्ड करके रखते हैं। इसी तरह से आपने ये देखो, ये पढ़ा था वाटर बर्ड सच एज हेरोन, स्ट्रोक एंड क्रेन, ट्रॉट वाटर, दिस इज कॉल्ड वेडिंग। वो क्या चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेडिंग। इस तरह से हमने ये मैच द फॉलोइंग्स और गिव द एग्जाम्पल्स किए थे। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, विंग्स आर ज्वाइंट टू द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट हेल्प देम टू मूव। बर्ड्स जो है अपनी विंग की हेल्प से, यानी पंखों की हेल्प से उड़ते हैं, जो कि उनकी बॉडी के साथ ज्वाइंट होते हैं स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ, जो उनकी मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, दैट हेल्प देम टू मूव। और वो उनको क्या करती हैं, उड़ने में उनकी, चलने में उनकी, उड़ने में उनकी सहायता करती है। दीज मसल्स हेल्प द बर्ड टू मूव इट्स विंग्स, और ये मसल्स जो हैं वो विंग्स को मूव करने में, चल मतलब हिलने में सहायता करती है। टू फ्लाई अ बर्ड फ्लैट्स इट्स विंग्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो मसल्स होती हैं, जब बर्ड उड़ता है, फ्लाई करता है, फ्लैट इट्स विंग्स, सीधे करता है और दोनों तरफ ऊपर नीचे की तरफ हिलाता है। दीज स्ट्रोक्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक रेस्पेक्टिवली। दीज स्ट्रोक्स आर कॉल्ड, इस स्ट्रोक्स को क्या बोलते हैं, अप डाउन, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक रेस्पेक्टिवली, ताकि वो मतलब इसको नीचे स्ट्रोक करना और ऊपर स्ट्रोक करना बोलते हैं। यस, नेक्स्ट पेज ये देखिए, ये बर्ड्स, अ बर्ड फ्लाइज विद अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक ऑफ इट्स विंग्स। देखिए, फर्स्ट अप स्ट्रोक लिया हुआ है, फिर सेकंड में थोड़ा सेंटर में आ गए, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर इस तरह से डाउन स्ट्रोक ले लिया, पूरा नीचे ले लिया, फिर थोड़ा ऐसे विंग्स हिलाए, इस तरह से जो है बर्ड्स उड़ते हैं। और नेक्स्ट है उनके फीदर्स, यानी उनके पंख। आ बर्ड्स बेबी एंड आ बर्ड्स बॉडी एंड विंग्स आर कवर्ड विथ मैनी फीदर्स, जो बर्ड्स की बॉडी और विंग्स होते हैं वो पंखों के साथ कवर्ड्स होते हैं। दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ फीदर्स, थ्री काइंड्स ऑफ फीदर्स, तीन तरह के फीदर्स होते हैं
बॉडी फीदर्स कवर अ बर्ड्स बॉडी, बॉडी फीदर होते हैं यानी शरीर को कवर करने वाले पंख जो कि उसकी बॉडी को कवर करते हैं बर्ड की। डाउन फीदर्स आर फ्लफी एंड सॉफ्ट, वो फूले हुए और बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे कीप द बर्ड वॉर्म, जिससे कि वो बर्ड को गर्मैश देते हैं जिससे कि उनको गर्मी मिलती है। फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स एंड आर मेंट फॉर फ्लाई, और एक कौन से फीदर्स होते हैं फ्लाइट फीदर्स, जो कि मेनली विंग्स पे होते हैं और उनको उड़ने में सहायता करते हैं। नेस्ट ऑफ बर्ड्स, नेस्ट बोलते हैं बर्ड्स के हाउसेस को। बर्ड्स बिल्ट नेस्ट यूजिंग लीव्स स्ट्रॉ ट्विंग्स वूल्स कॉटन एंड थ्रेड। बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं किसकी सहायता से, पत्तों की सहायता से, डंडियों की सहायता से, ट्विंग्स ले लेते हैं ऊन के धागे ले लेते हैं, कॉटन ले लेते हैं और सिंपल धागों से। बर्ड्स टेक केयर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन प्लेसेस सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर्स, और जो हैं बर्ड्स अपने जो बिल्ड बनाते हैं वो बहुत ध्यान से ये देख के बनाते हैं वो नेस्ट, वो प्लेस देखते हैं जहाँ पर कि वो अपने दुश्मनों से सेफ रहेंगे और गंदे वेदर से भी सही मतलब सेफ्टी रहेगी। वी कैन सी बर्ड्स नेस्ट ऑन ट्री ऑन द टेरेसेस ऑफ बिल्डिंग एंड समटाइम्स इवन ऑन सेलिंग फैंस। ज़्यादातर हम कहाँ देखते हैं बर्ड्स के नेस्ट, पेड़ों के ऊपर या हमारे छत के टेरेसेस होते हैं बिल्डिंग के उनके ऊपर या फिर हमारे घर के जो सेलिंग फैन होते हैं पंखे उनके ऊपर। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट मोस्टली टू ले एग्स इन देम, ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं जो नेस्ट बनाते हैं उनमें अपने अंडे देते हैं। इट इज़ इन द नेस्ट दैट देयर एग्स हैच एंड द चिक्स स्टे, और ज़्यादातर वो वहाँ अंडे देते हैं वहाँ पे वो अंडे रहते हैं और वो चिक्स जो हैं उसी के अंदर से निकलते हैं वो वहीं रहते हैं। टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई, और जब तक वो वहाँ रहते हैं जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते। बर्ड्स कीप देयर यंग वन सेफ एंड वार्म इन द नेस्ट, और जो बर्ड्स हैं वो अपने यंग वंस को बच्चों को सेफ और गर्मैश मिलती रहे सेफ रहे इसलिए उनको नेस्ट में रखते हैं। लेट्स पीप इनटू द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स, आओ अब आगे और जो बर्ड्स हैं उनके नेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये देखिए लेट अस डिस्कस, वी कैन गेस द बर्ड बाय लुकिंग एट इट्स फीदर। फैक्ट फाइल्स, अ कुकू कोयल डज नॉट मेक अ नेस्ट, कुकू जो है कोयल जो अपना नेस्ट ही बनाती है। इट लेज इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट, वो अपने अंडे क्रोज क्रो बोलते हैं कौए का, कौए के नेस्ट में देती है। एंड लेट द मदर क्रो लुक आफ्टर द बेबी कुकू, और जो वो क्रो होती है जो मदर क्रो होती है वो ही उसके बच्चों का ध्यान रखती है। भाई नेक्स्ट पेज पेज नंबर 83, ये देखिए ये टेलर बर्ड है, आपने देखा ना ये बहुत छोटा सा बर्ड होता है। द टेलर बर्ड यूजेज इट बीक लाइक अ नीडल टू सी लीव्स टूगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट, जो टेलर बर्ड होता है इसकी जो बीक होती है ना ये बहुत पतली सुई की तरह होती है, और ये क्या करता है बड़ा सा पत्ता देख के उसको दोनों तरफ से मोड़ के इस तरह से थ्रेड ढूंढ के लाता है या वूल ढूंढ के लाता है, उससे जो है इसको नेस्ट के पत्तों को जोड़ देता है यानी सिल देता है। इट्स ऑल्सो यूजेज मटीरियल सच एज थ्रेड एंड वूल टू सी द लीव्स, सिल देता है और इस तरह से गोल नेस्ट बना लेता है। ये नेक्स्ट ये देखिए द वीवर बर्ड्स नेस्ट, द वीवर बर्ड्स यूज इट पीक टू वीव पीस ऑफ लीव्स ग्रास और ट्विंग्स टू बिल्ड अ नेस्ट, और जो वीवर बर्ड होता है ये देखो ये वीवर बर्ड है ये अपनी बीक से वीविंग करता है यानी बुनाई करता है, किसके यूज करता है पत्तों का ग्रास का एंड ट्विंग्स का टू बिल्ड अ नेस्ट। द नेस्ट हैज एन ओपनिंग प्रो विच द बर्ड एंटर, और नेस्ट जो है वो ऊपर से ओपन होता है जिसमें से बर्ड अंदर चला जाता है। ये देखिए वुड पेकर, द वुड पेकर यूजेज इट बीक टू पीक इन टू ट्री ट्रंक्स एंड मेक अ होल फॉर अ नेस्ट, और जो ये वुड पेकर होता है अपनी बीक के साथ पीक करता है मतलब बार बार चोट पहुंचाता है पेड़ को जिससे कि वो जो ट्री ट्रंक होता है जो ये ट्री का बड़ा सा ट्रंक होता है इसके अंदर होल हो जाता है और जिसमें वो अपना नेस्ट बनाता है। ये देखिए अ वुड पेकर्स नेस्ट अ होल इन अ ट्री ट्रंक। पेंगुइन लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, पेंगुइन जो होते हैं वो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं। ये देखिए
सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विंक्स ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस, और ऐसी जगह पे उनको ट्विंक्स मिले, ग्रास मिले, स्ट्रॉ मिले, वो नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है। पेंगुइन कलेक्ट स्टोन एंड पेबल्स एंड मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, और वो क्या करते हैं फिर स्टोन्स और पेबल्स को इकट्ठा करते हैं, ये देखिए छोटे छोटे पत्थर और स्टोन्स इकट्ठे करते हैं, जिससे वो ग्राउंड पे ही अपना नेस्ट बना लेते हैं, मतलब उसके ऊपर ही वो रहते हैं। अब आपने लेसन पढ़ लिया, आपको बर्ड्स के बारे में समझ में आ गया, उनकी विंग्स के बारे में पढ़ा हमने, बीक के बारे में पढ़ा, और किस टाइप के उनकी अलग अलग बीक्स होती है, किस तरह के उनके विंग्स होते हैं, अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग नेस्ट होते हैं, हमने वो सब पढ़ा। अब एक्सरसाइज करेंगे। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आर बर्ड्स यूज्ड इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड, क्या यूज़ करते हैं? बीक यूज़ करते हैं अपना फूड को पकड़ने के लिए और खाने के लिए। बर्ड्स लाइक सनबर्ड सच नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, सनबर्ड जो होता है वो नेक्टर फ्रॉम फ्लावर सक, मतलब फ्लावर्स के अंदर से अपना नेक्टर करके अपना फूड ढूंढता है। बर्ड्स यूजुअली हैव टू फीट विथ फोर टोज ऑन ईच, टू फीट्स होते हैं और उसमें फोर फोर टोज होते हैं। वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम पुश वाटर व्हाइल स्विमिंग, वेब्ड फीट चाहिए होते हैं किसके लिए? उनको वाटर के अंदर स्विम करने के लिए क्या चाहिए होता है? वेब्ड फीट। विंग्स आर जॉइंट थ्रू द बर्ड्स बेबी विद द हेल्प ऑफ मसल्स, विंग्स आर जॉइंट थ्रू द बर्ड्स बॉडी, बर्ड्स की बॉडी में जो वो विंग्स जुड़े तो किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? मसल्स की सहायता से। राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। आ बर्ड यूजेज इट्स टोज टू कैच एंड होल्ड फूड, नो फॉल्स। आ बर्ड यूजेज इट विंग्स फॉर बिल्ड इट नेस्ट, नो फॉल्स। ऑल बर्ड्स हैव द सेम काइंड ऑफ बीक, फॉल्स। बर्ड्स फ्लाई विद जस्ट अ डाउन स्ट्रोक ऑफ देयर विंग्स, फॉल्स। बर्ड्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ फीदर्स, ट्रू। यस सही है, बर्ड्स के थ्री टाइप्स ऑफ फीदर्स होते हैं। यस नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Which part of the body help a bird to catch and eat food? Beak, beak से वो अपना food catch करते हैं और खाते हैं। Which of these feathers help to keep a bird warm? Down feathers, नीचे जो feathers होते हैं उससे क्या है उसको गर्मी मिलती है। Why do some birds have a sharp and hooked beak? To tear flesh, ताकि वो अपने लिए जो वो animal का flesh होता है उसको पकड़ सके। Which of these birds uses its beak like a needle to see leaves together a build a nest? Tailor bird. Which of these is true about a goose? Broad and flat beak. Goose की कैसी beak होती है? Broad and flat beaks. Which of these birds collected stone and pebbles to make their nest on the ground? Penguin. अभी हमने पढ़ा था ना, penguin जो है वो ground पे अपना nest बनाता है। Which birds use its beak to look for food inside tree holes? Hoppy. Which of these birds cannot walk through water? Penguin. Penguin जो है वो water में नहीं चलता है। Very short answers type questions. Give two examples for the following. Birds with strong, short and hard beak. Sparrow and pigeon. Birds with strong, pointed beak. Woodpecker and hoppy. Birds with webbed feet. Duck, goose. Birds with talons. Eagle, vulture. Things that birds use to make nests. Leaves and कॉटन। अब हम आगे क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। यस, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डू फ्लैश ईटिंग बर्ड्स यूज देयर फीट टू कैच देयर प्रे? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल एंड वल्चर हैव वेरी शार्प
क्लाउस टेलोन। जो ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, इनके जो है वो क्लोज जो होते हैं, जो पाँव के होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, उसको बोलते हैं टेलोन्स। यूजिंग दीज टेलोन्स दे पिक अप स्मॉल एनिमल्स सच एज टोड्स, माइस एंड रैट्स। और इसी टेलोन की सहायता से ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, टोड्स होते हैं, माइस होती है और रैट्स होती है, इनको कैच कर लेते हैं अपने खाने के लिए। वट इज़ पर्चिंग? पर्चिंग क्या है? बर्ड्स यूज देयर फीट टू होल्ड ऑन टू ट्री ब्रांचेज एंड सिट ऑन देम। बर्ड्स जो होते हैं, जो उनके फीट्स होते हैं, जो कि ट्री पे होल्ड करने के लिए, ट्री की ब्रांचेज पे होल्ड करने के लिए होते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्चिंग, उसको बोलते हैं पर्चिंग। यस, थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ट्री थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ फीदर्स ऑफ बर्ड्स। फर्स्ट बॉडी फीदर्स कवर अ बर्ड्स बॉडी। सेकेंड डाउन फीदर्स आर फ्लफी एंड सॉफ्ट, दे कीप द बर्ड वॉर्म। थर्ड है फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स एंड आर मेंट फॉर फ्लाइंग। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स फ्लाई विथ अपस्ट्रोक्स एंड डाउनस्ट्रोक्स ऑफ देयर विंग्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई डू बर्ड्स नीड टू मेक अ नेस्ट? बर्ड्स कीप देयर यंग वंस सेफ एंड वार्म इन द नेस्ट। बर्ड्स जो नेस्ट क्यों बनाते हैं? ताकि उनके बच्चे उसमें सेफ रह सकें और उसके अंदर उनको गर्मैश मिलती रहे, मतलब मौसम का भी, वेदर का भी उनको फ़र्क नहीं पड़े। अब हमने ये लेसन 8 बर्ड्स पूरा कंप्लीट किया है। इसके जो ये क्वेश्चन आंसर्स है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे और जो एक्सरसाइज हमने बुक में की थी वो आप अपनी बुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।